हरियाणा को पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातीय हिंसा में धकेला था। स्वागत है दोस्तों, देश में जिस प्रकार अशांति फैली है, आए दिन देश के कोने कोने से अप्रिय घटना की खबरें आ रही है। ये पूरे देश में एक सवाल को जन्म दे रहा, आखिर कहां जा रहा हमारा समाज, किस नफरत में बड़े हो रहे हैं हमारे बच्चे, कहां पहुंच चुका है यंग जनरेशन। खैर, सवाल बहुत सारे हैं। कल जिस प्रकार से देश के दो कोने से खबरें आई, ये पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तो जयपुर मुंबई ट्रेन में RPF के जवानों के द्वारा 4 लोगों को गोली से भूनकर हत्या करना, दूसरा हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा। इस पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर पर जमकर बरसे और BJP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, देश की आजादी के 75 साल बाद तक हरियाणा में कभी धार्मिक दंगे नहीं हुए। आज पहली बार हरियाणा में BJP सरकार की नाक के नीचे दंगे हो रहे हैं, कहां है मुख्यमंत्री? हमारी मांग है कि दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, मुख्यमंत्री आगे आए, अपना राजधर्म निभाए, ना कि कानून व्यवस्था को पुलिस के भरोसे छोड़कर छिप जाए जैसा कि अभी हो रहा है। नूह, मेवात में, मानेसर में और गुड़गांव में जिस प्रकार से बेहिसाब और बेइंतहाशा हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और चोटों की खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में दिल दहलाने वाला भी है और अत्यंत चिंताजनक भी। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर है, खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। हरियाणा को पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातीय हिंसा में धकेला था और वो आग वर्षों तक धधकती रही। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है, हरियाणा को धार्मिक हिंसा के अंदर धकेला जा रहा है। बताइए क्या कारण है कि हमारे हरियाणा में, शांति प्रिय हरियाणा में, 75 वर्षों में देश की आजादी के बाद कभी धार्मिक दंगे नहीं हुए? पहली बार धार्मिक दंगे हुए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे। कहां है मुख्यमंत्री? कब मुख्यमंत्री आकर स्थिति को खुद संभालेंगे? हमारी मांग है कि दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री हाथ से, खट्टर साहब हाथ से हाथ धरे ना बैठें, आगे आएं, दोनों गुटों से बात करें, शांति स्थापित करें और जो लोग भी हिंसा के कारण हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, राजधर्म निभाएं, ना कि पुलिस के भरोसे और कानून व्यवस्था को पुलिस के भरोसे छोड़कर सरकार छुप जाए जैसा हो। रणदीप सुरजेवाला की इस बयान पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूले। आपने अभी तक तत्काल मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।